नमस्कार, मैं आनंदन आप सभी म्यूजिक लर्नर्स कलाकारों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे अपने इस चैनल पर जिसका नाम है सुरभि स्वर संगम। तो आज इस वीडियो के माध्यम से जो कि बेंजो का लेसन नंबर 43 है, आज हम राग भैरवी के पार्ट 4 में आ गए हैं। और पार्ट 4 में हम लोग बात करने वाले हैं राग भैरवी का झाला और उसकी तिहाई के बारे में। ठीक है, तो झाला और तिहाई ये सब क्या होता है, जो लोग नए हैं वो लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि झाला क्या होता है। तो मेरे पिछले वीडियोस में जाकर आप लोग वहाँ पर राग स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ सकते हैं, वहाँ पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है सारा राग स्ट्रक्चर को। तो आइए आप लोग झाला और तिहाई को पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको बेंजो पर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये झाला है, ये झाले की पूरी 8 लाइन है। ठीक है ना, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल अच्छे से आपको नोट डाउन करना है कहाँ पर कोमल स्वर है, कहाँ पर मैंने डॉट लगा रखा है, क्योंकि तार सप्तक और कोमल स्वर ये सारा आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। ठीक है ना, अदरवाइज आपको बजाने में कन्फ्यूज़न होगा कि कौन सा सुर है, तार सप्तक का है कि मध्य सप्तक का। और ये जो नाइन्थ वाली लाइन है इसको आपको 3 बार बजाना है, ये है तिहाई से पहले की। ठीक है ना, तिहाई से पहले हम लोग इसको 3 बार बजाएंगे। और ये जो लास्ट में आप लोग देख रहे हैं 4 लाइन, ये है तिहाई। रे रे सासा नी नी सासा ग ग म म प प ध ध प प, रे रे सासा नी नी सासा ग ग म म प प ध ध प प, रे रे सासा नी नी सासा ग ग म म प प ध ध प। तो इस तरीके से ये पूरा झाला है हमारा तिहाई के साथ कंप्लीट है। आई होप कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो आइए अब हम इसको बेंजो पर बजाते हैं। तो झाले की सबसे पहली लाइन है हमारी, दूसरी लाइन, ठीक है, तीसरी लाइन है ध ध नी नी। मैं बोलूँगा नहीं, आप लोग देख लीजिए अपनी कॉपी में, आप लोग ने नोट डाउन कर लिया होगा। ध ध नी नी सा सा ग ग रे रे सा 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 सा, फिर नी नी सा सा ग ग म म ग ग रे रे सा 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 सा, फिर नी नी सा सा ध ध सा सा नी नी सा सा रे रे सा सा ग ग सा सा रे रे सा सा नी नी सा सा रे रे सा सा, फिर नवी लाइन है हमारी, उसको हम लोग 3 बार बजाएंगे। उसके बाद तिहाई, ये हो जाएगा यहाँ पर आपका झाला कंप्लीट। ठीक है ना, पूरा तिहाई के साथ। तो आइए इसको हम लोग अब ताल के साथ बजाते हैं, क्योंकि झाला इतना स्लो नहीं बजता, ये तो मैंने आपको बताने के लिए इतना स्लो बताया। ठीक है, झाला अति द्रुत लय में जाता है, जब कैरवा जो 3 ताल जब वो कैरवा की टोन में चली जाती है तब जाकर हमारा झाला बजाने में जाता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पहले ताल, उसके बाद हम लोग इसको बजाते हैं। तो आप लोग सुन सकते होंगे ये ताल चल रही है हमारी अति द्रुत लय में, ता दिन जो के हमारी 3 ताल है उसका ये बिल्कुल अति द्रुत लय चल रही है। ठीक है ना, तो कैरवा जैसा आपको टोन आ रहा होगा। तो आइए हम लोग बजाते हैं इसको झाले को।
तरीके से ये आपका जो झाला है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है तिहाई के साथ। तो इस तरीके से हम लोगों ने राग भैरवी में हम लोगों ने झाला और तिहाई को बजाया। तो आपको ये झाला और तिहाई के अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है, पहले स्लो अभ्यास करिए, उसके बाद इसको स्पीड में आपको करना है। झाला एक्चुअल में स्पीड में ही बजाया जाता है, अति द्रुत लय में ही बजाया जाता है, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता है राग स्ट्रक्चर, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप लोग सबसे पहले राग स्ट्रक्चर को समझिए, क्या होता है आलाप, जोड़ आलाप, गत, झाला, तिहाई, ये सारी चीज़ क्या होती है इसको पहले समझिए, उसके बाद आप लोग ये जो मैं बजा रहा हूँ, ये सिखा रहा हूँ, ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो जिन लोगों को नहीं पता, मैं उसका लिंक एंड स्क्रीन में दे दूंगा, राग स्ट्रक्चर का लिंक, तो वहाँ पर जाके आप लोग उसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों के लिए मैं बेंजो के, हारमोनियम के, तबला के और इंडियन वोकल क्लासिकल के बहुत सारे वीडियोस, ट्यूटोरियल्स आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और जिन लोगों ने नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक नहीं किया है वो नोटिफिकेशन बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।